अल्लाह रब्बुल आलमीन बारिश से कभी महरूम कर देता है और कभी जो है बारिश से बतौर रहमत किसी को देता है और कभी बारिश को बतौर अजाब। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बारिश से महरूम कब करता है वो भी हम देख लेते हैं कि कभी ऐसा होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बारिश से महरूम कर देता, बारिश होती नहीं, सूखा पड़ जाता, कहत। इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह हदीस में बयान हुई है और हमें अपने मुआशरे में वो वजह बाकी नहीं रखनी चाहिए। वजह क्या? देखिए सुनन इब्ने माजे की हदीस, हदीस नंबर 4019, लंबी हदीस है, उसका एक टुकड़ा है बीच में। अल्लाह ने फरमाते हैं कि वलम यमनउ ज़कात अमवालहिम इल्ला मुनिउल क़त्र मिनस समाई वलौलल बहाइम लम यमतरु। ये वही लाइन जो मैंने अभी शुरू में पढ़ा था। नबी फरमाते हैं कि जो कौम भी ज़कात देना बंद कर दे तो अल्लाह ताला उन्हें बारिश से महरूम कर देता है। ज़कात देना बंद कर दे तो बारिश से अल्लाह ताला महरूम कर देता है। वलौलल बहाइम लम यमतरु, और अगर जानवर ना होते तो अल्लाह ताला कुछ भी बारिश नहीं देता। मतलब जानवरों के लिए थोड़ा थोड़ा बारिश आ जाती है लेकिन इंसान उस बारिश से महरूम कर दिया जाता है अगर वो ज़कात देना बंद कर देता तो। तो बारिश से महरूमी की जो वजह है वो क्या है? ज़कात ना देना, सदका खैरात ना करना। इसलिए सदका खैरात अगर हम करते रहें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला कभी भी बारिश से हमें महरूम नहीं करेगा। तो बारिश को बरकरार रखने के लिए और बारिश की नेमत से मुस्तफ़ीद होने के लिए एक ज़रिया क्या है? ज़कात, सदका खैरात। और एक और चीज़ है अल्लाह ताला से गुनाहों की मग़फ़िरत। सूरह हुद में अल्लाह ने कहा है कि इस्तग़फिरु रब्बकुम थुम्मा तूबू इलैही युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा। अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह की तरफ रुजू करो, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह ताला बारिश नाज़िल करेगा। तो बारिश कैसे मिलती है? ज़कात देने से मिलती है, गुनाहों से दूर रहने से बारिश मिलती है। ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें ताकि आपके लिए ज़रियाए नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने। आमीन। जज़ाकअल्लाहु खैरन।